नमस्कार, सीक्रेट्स ऑफ कश्मीर, ललेश्वरी एंड हर वार्स। तो इस प्रस्तुति को लेकर मैं फिर से प्रस्तुत हूँ और आज कुछ जैसे मैं आपको वाक सुनाता आया हूँ, कुछ वाक ललेश्वरी के और उसके बाद जो रिकॉर्डिंग्स के वाक हैं वो। शबनम त्यमा दमी जूटुं त्यमांसु दमी डिटुं अन्यदट रातस दमी जूटुं दहस फिर एक बार सीक्रेट्स ऑफ ललेश्वरी और उनके वाक पे। तो ये कुछ वाक थे जो हर बार की तरह मैं आपको सुनाता आया हूँ और कोशिश है कि हमेशा सुनाता रहूँगा। नाद, नाद जो एक विशेष प्रकार है, जब योग साधना का मार्ग आता है तो नाद का रहस्य बहुत ही अनूठा है। बार बार ललेश्वरी की जो वाक हैं उनमें नाद का जिक्र आता है। तो इन वाकों में भी अभी आपने देखा, दमी डीठम नद वह विनी, नद नाद से भी जुड़ा है और नदी से भी जुड़ा है। तो काव्यात्मक शैली में कुछ भी उनका जो भी भाव रहा हो, जो भी कहना हो, मगर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वास्तव में वो ये सब कहती कुछ और थी, कर कुछ और रही थी। यही रहस्य है आज के इस एपिसोड में
कि वो कर क्या रही थी, नाद के विषय में, नद के विषय में वो क्या कह रही थी, कौन सी ध्वनि ध्वनित कर रही थी, और अपने आसपास के माहौल में करेक्शंस कर रही थी, वो सब क्या था, इससे जानने का सबसे एक अहम विषय है। तो इस पर भी हम आगे चल के चर्चा करेंगे। तो आज के जो मेरे सेट ऑफ जो रिकॉर्डिंग्स है उनमें से कुछ वाक अब आप ये सुनिए। अस बोल पढ़नम सासा ने मन वासा खीग नाहिए, बोयत सहज शंकर बख्स आसा मुकर सासा मल क्या प्यये। आचार हांजिन हुन गयाम कनन नदर चुवत हेयुमा त्यबूस्त्र क्या त्यम रूज वनन चेनुन चुवत चीन्युमा। आचर बिचर व्यचा मजा चुहुन नदर चुवत हेयुमा। ओंकार यलि लई ओनुम वुह कोरुम पनुन पान शुभो त्रवित सत्मार्ग रटुम तेलि लल्ब वत्सुस प्रकाश स्थान तेलि लल्ब वत्सुस प्रकाश स्थान। ललेश्वरी के बारे में हमने जाना कि उनका प्रस्थान जो था वो एक सांकेतिक प्रस्थान था। दरअसल वो ओझल हो गई थी, गायब हो गई थी, न जाने कहाँ चली गई थी, और जो उनके भक्त थे, उनके फॉलोअर्स थे, हिंदू मुसलमान सभी, वो कुछ पानी का जो वहाँ पर पड़ा हुआ था परात में, तो वो ले गए और अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार जो भी उनको करना था वो कर लिया। सब उसको अपने दद लल दद मानते थे। तो वो गई कहाँ, तो इन रहस्यों का जो है उद्घाटन आगे चलकर होगा। मगर उनके जो कहे हुए वाक हैं, क्या वाकई में वो उपदेश दे रही थी या कुछ और कर रही थी, जो हम देख रहे हैं एक एक वाक उनका एक ध्वनि ध्वनित करता है, और उस ध्वनि के ध्वनित होने में कुछ रहस्य हैं। तो उन रहस्यों में उस समय क्या हुआ, क्या ये सच नहीं कि एक समुदाय जीवित रहा, जीवित बचा, तो क्या वो कुछ करेक्शंस कर रही थी, स्पिरिचुअल करेक्शंस कर रही थी अपनी ध्वनि के माध्यम से, वो बोल कुछ और रही थी, उपदेश भी जा रहा था जिसका लोग शाब्दिक अर्थ ढूंढते हैं, जबकि शाब्दिक अर्थ कुछ के लिए प्रयोगात्मक है और कुछ के लिए वो ध्वनियाँ, एक योगी उसमें योग उपदेश देख रहा था, और कुछ और लोग जो राजनीति में थे उनके हिसाब से उसमें एक शांति बहाली का उपदेश भी था, हिंसात्मकता कम हो रही थी और लोग आपस में एक दूसरे को समझ भी रहे थे। तो कुछ ऐसे ही रहस्य ललवाकों का प्रभाव आज भी है, और सभी समुदाय के लोग ललदत को आज भी उतना ही मानते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, सबका भला हो, सब खुश रहें और स्वस्थ रहें।